हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रैक्सोल टी इंजेक्शन के बारे में। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, जैसे इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका सॉल्ट क्या है, इसके किस में इस्तेमाल होता है, इसका यूजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और प्रेगनेंसी में ये चलेगी या नहीं चलेगी, उसके बाद इसके प्राइस के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ब्रांड की। तो ये आप देख पा रहे हो, ये नीचे कोने में लिखा हुआ कैचेट, यानी कि ये कैचेट कंपनी बनाती है इस इंजेक्शन को। उसके बाद बात करेंगे हम सॉल्ट की, तो इसमें कौन सा सॉल्ट मिला हुआ होता है, इसमें कॉम्पोजिशन जो है उसी को सॉल्ट बोलते हैं, तो वो कौन सा। आप देख पा रहे हो यहाँ सेफ्टियाजोन एंड टैजोबैक्टम लिखा हुआ है, यानी कि सेफ्टी, आप इधर देखिए, ये देखिए सेफ्टियाजोन 100 mg और टैजोबैक्टम सोडियम, ये हाँ टैजोबैक्टम 125 mg, ये मिला हुआ, ये सॉल्ट है, ये दोनों सॉल्ट इस इंजेक्शन में मिला हुआ है, इसीलिए टैजोबैक्टम जो मिला हुआ है इसी के कारण इसमें टी जुड़ गया है। अगर टैजोबैक्टम नहीं होता तो सेफ्टियाजोन ये सिर्फ ट्रैक्सोल ही कहलाता, लेकिन जो टैजोबैक्टम मिल गया है उसके कारण इसका नाम ट्रैक्सोल टी हो गया है। वैसे ये मेरे हाथ में जो ये 1 ग्राम का है, ये आपको मार्केट में कई तरह का मिल जाएगा, जैसे ये 125 mg का मिल जाएगा, 250 mg का मिल जाएगा, 375 mg का मिल जाएगा, उसके बाद 500 mg का मिल जाएगा, उसके बाद 750 mg का मिल जाएगा, उसके बाद 1000 mg का मिल जाएगा। ये 1000 mg का है, आप देख पा रहे हो सेफ्टियाजोन 1000 है, और इसके बाद ये आपको मार्केट में मिल जाएगा पूरे 1500 mg का, यानी कि 1.5 ग्राम का, ठीक है। तो ये बहुत तरह का मार्केट में अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है और उसका कंडीशन क्या है। तो उसके बाद अब सॉल्ट हो गया, तो उसके बाद अब बात करेंगे यूज़ का, कि इसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ये टाइफाइड के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो टाइफाइड के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन दवा है ये टाइफाइड के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जैसे निमोनिया में बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये, डॉक्टर्स इसे बहुत ही प्राथमिकता देते हैं। और उसके बाद जो सर्जरी क्या हुआ होता है, जैसे चिड़फाड़ कहीं हुआ हो या तो फिर ऑपरेशन हुआ हो, तो कहीं उस तो उसमें क्या होता है, रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद पेट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा जो फेफड़ों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कफ़ बैठ जाता है, कभी खांसी ऐसा इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुकुर खांसी उपुंग कफ हो जाता है, और बहुत तरह का ये इन्फेक्शन होता है फेफड़ों में, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। इसके बाद मिडिल ईयर में अगर इन्फेक्शन हुआ हो, मिडिल ईयर में जैसे कान के पर्दे में कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कान का पर्दा फट गया हो, तो उन सब में ये बहुत ही बेहतरीन इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसे यूटीआई इन्फेक्शन में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़ोरों में होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब जैसे पेशाब के रास्ते में किसी तरह की जलन हो या फिर कोई सूजन हो गया हो, तो उन सब में ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और इसके बाद जो जॉइंट पेन होते हैं, जो हड्डियों में या फिर ये जोड़ों में जो पेन होते हैं, जो सूजन हो जाता है, तो उसमें ये पेन किलर के रूप में यूज़ नहीं होता है, ये एंटीबैक्टीरियल के रूप में यूज़ होता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है उसमें। उसके बाद वेजाइनल इन्फेक्शन में, वेजाइना जो लड़कियों की होती है, पार्ट्स वेजाइना, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। और रेयर केस में ही, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि WBC जब घट जाती है शरीर में, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली ऐसा होता है कि अधिक डोज देने पर ही इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, ऐसा अगर डॉक्टर के अनुसार अगर लिया जाए तो वैसे साइड इफ़ेक्ट उतना देखा नहीं जाता, फिर भी इसमें कब्ज़ देखा जाता है, सिर दर्द देखा जाता है, कभी कभी उल्टी होती है, कभी ऐसा होता है कि इंजेक्शन देते देते ही उल्टी आने लगती है, और उसके बाद चक्कर आना, तो ये नॉर्मल हो जाता है। तो वैसे ये इंजेक्शन जो है काफ़ी पावरफुल होता है, तो इसे खाली पेट नहीं लेना चाहिए, पेशेंट को पहले भर पेट खाना खाने के बाद ही इंजेक्शन लेनी चाहिए।
आप बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ये दवा चलती है कि नहीं चलती है, तो ये तो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो कितने महीने पहले प्रेग्नेंट हुई है और उसका कंडीशन किस तरह है, USG में उसका फोटोग्राफी देख करके ही डॉक्टर द्वारा ये दिया जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी में अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लें तो बहुत ही बेहतरीन होगा। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइस की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 1 ग्राम का इंजेक्शन है और इसका प्राइस है 183 इसका प्राइस है, सॉरी 187 इसका प्राइस है। ये आपको कहीं भी मार्केट में आपको ये मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये इस तरह से होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसे डॉक्टर इसमें घोलते हैं उसके बाद इंजेक्ट करते हैं शरीर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।